हेलो गाइस, मैं डॉक्टर साहबजीत राणा। टुडे वी विल स्टडी दी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय दी रोजनमैन डायरेक्शन। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द रोजनमैन डायरेक्शन, वी टेक हियर दी एसिड क्लोराइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड बेरियम सल्फेट वी विल गेट हियर दी एल्डिहाइड एंड लॉस ऑफ HCl इज देयर। What exactly the mechanism of this reaction? So we will study the mechanism of this reaction. जो platinum है that oxidize to give the platinum two electron जो है वो loss कर देते हैं। Mean to say platinum undergo the oxidation to give the platinum two positive and plus two electron. So now what will happen in the next step? Here is the RC double bond OCl. This is acid chloride. इसके बीच में हमने क्या डालनी है, प्लेटिनम। तो व्हाट विल हैपन हेयर, कार्बन से ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा। तो प्लेटिनम जो है वो अपने टू इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा। तो नाउ व्हाट विल हैपन हेयर, जब ये यहां पे इलेक्ट्रॉन दे देगा तो व्हाट विल हैपन हेयर, आर सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ आके प्लेटिनम बॉन्ड बना लेगा, प्लेटिनम एंड साथ में प्लेटिनम के साथ आके क्लोरीन जो है वो कंबाइन कर जाएगी, क्योंकि उसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो प्लेटिनम जो क्लोरीन है वो उसको दो इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगी। नो व्हाट विल हैपन हियर, जब ये बॉन्ड बना लेगी उसके बाद हमने इसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। एग्जैक्टली स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन भी है, हाइड्रोजन गैस की। तो एच जो है वो हाइड्रोजन गैस है एच। तो नो व्हाट विल हैपन हियर कि ये जो क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ दिस मेटल, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगी। तो ये जो मेटल है, मेटल अपनी तरफ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदड्रॉ कर लेगा, तो मेटल प्लेटिनम एज सच बाहर निकल जाएगा। और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। एच के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और सीएल के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ये कंबाइन करके बनाएगा HCl, और साथ में RC डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे H लग जाएगा, और साथ में जो है प्लेटिनम मेटल जो है वो एज सच रिकवर हो जाएगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रोजनमैन डायरेक्शन। लेट मी टॉक अबाउट द वन मोर एग्जांपल। हियर इज द CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl। व्हेन वी विल ऐड हियर हाइड्रोजन एंड platinum and barium sulfate as a catalyst, and we will get here the acetaldehyde and HCl that is lost. Now the mechanism of this reaction is the same here. So let mechanism kahan se start karenge, yahan bhi jo platinum hai, platinum loss to give the platinum two positive, साथ में ये टू इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और ये Cl, इसके बीच में हमने प्लेटिनम की एडिशन करनी है। क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेगा, तो अपने दो इलेक्ट्रॉन ये साथ लेके चला जाएगा। तो ये जो प्लेटिनम है इसके पास यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लेटिनम अपने जो इलेक्ट्रॉन है टू वो इस कार्बन को डोनेट कर देगी। सो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो नो व्हाट विल हैपन हियर, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन प्लेटिनम के साथ बॉन्ड बना लेगा, एंड ये जो है इसके बाद जो प्लेटिनम जो है उसके साथ ये क्लोरीन आके बॉन्ड बना लेगी। सो देयरफॉर प्लेटिनम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन कैरी नेगेटिव, तो यहां पे आके ये बॉन्ड बना लेंगे। आफ्टर दैट वी विल एड हेयर हाइड्रोजन, तो वो कैसी एडिशन होगी, क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विदड्रॉ करेगी, तो क्लोरीन कैरी नेगेटिव, प्लेटिनम अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो विदड्रॉ कर लेगा, तो प्लेटिनम जो है सच रिकवर हो जाएगा। और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हाइड्रोजन विद इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। नाउ सी हियर दैट Cl कैरी नेगेटिव, H कैरी पॉजिटिव, तो देयर फॉर इट फॉर्म HCl। ये वाला प्लेटिनम एज सच रिकवर्ड, एंड वॉट वी विल गेट हेयर CH3 C डबल बॉन्ड O इसके साथ आके ये वाला H आके लग जाएगा।
So this is the staldehyde. So this is the method of the preparation of aldehyde by the Rosenman direction. One more example is here. If we talk about the aromatic aldehyde like benzoyl chloride. If we talk about the example of the benzoyl chloride, that is the C6H5 C double bond O और यहाँ पे Cl है. इसके बीच में भी हम जब हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे प्लैटिनम एंड BaSO4, तो देयर फोर वी विल गेट हियर बेंजाल्डिहाइड एंड विद लॉस ऑफ HCl. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. सेम इज हियर टू C6H5 C डबल बॉन्ड और Cl है. इसके बीच में हम प्लैटिनम की एडिशन करेंगे. प्लैटिनम जो है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट करेगा. कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर लेगी, तो कार्बन कैरी पॉजिटिव. प्लैटिनम अपने टू इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा. सो देयर फोर वॉट वी विल गेट हेयर C6H5 C डबल बॉन्ड O. प्लैटिनम इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और जो प्लैटिनम के साथ ये क्लोरीन आके बॉन्ड बना लेगी, सो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी. सो नाउ व्हाट विल हैपन हियर, आफ्टर दैट वी विल ऐड हियर द हाइड्रोजन हियर. नाउ जब इसकी हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे वो कैसे होगी कि यहाँ से कार्बन जो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगी, तो प्लैटिनम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये यहाँ से मेटल एज सच रिकवर हो जाएगी. एंड कार्बन कैरी पॉजिटिव, ये यहाँ से हाइड्रोजन जो है ब्रेक करके हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगी और एच कैरी पॉजिटिव है. तो देयर फोर वॉट वी विल गेट C6H5 C डबल बॉन्ड O और साथ में एच है एंड HCl एंड प्लैटिनम इज रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. सो दिस इज द मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बाय द रोजनमैन रिएक्शन. सो थैंक यू स्टूडेंट. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.